कैदा सकराम दुर्गड़े घालो घोड़ा कब पूगोला ठेठ रिया दिन बाकी थोड़ा। रिया दिन बाकी थोड़ा कब पूगोला ठेठ बिचले बासे रह गया भाई पड़शो किनरे पे। पड़शो किनरे पेट पड़ेला बारी फोड़ा कैदा सकराम दरगड़े गालो घोड़ा। अरे बिटाउड़ा वीरा और यो मोड़ो रे दिनड़ो थोड़ो रे अरे दिनड़ो थोड़ो रे भाई भाई रे दिनड़ो थोड़ो रे बिटाउड़ा वीरा और यो मोड़ो रे दिनड़ो थोड़ो रे।
की जय हो। बटाऊ बिरा हो रही हो मोड़ो रे, जीमन हो रही हो ठंडो रे, भूख लगे ना, भोजन तैयार है सबके लिए, प्रसादी माँ प्रसादी तैयार है। राजा मानसिंह जोधपुर दरबार है, मानबोध नाम को ग्रंथ लिखियो भी के अंदर पद है। मैं कई भजन लिखा ऐसा के एक भजन लिखियो के साधु भाई फकड़ारी गत न्यारी, फकड़ारी गत कोई फकड़ जाने क्या जाने संसारी, साधु भाई फकड़ारी गत न्यारी। दिन का सोवे रात्रा जागे, चोट से अति भारी, दिन का तो सोवे रात का जागे, और शब्द चोट से अति भारी, नाम जपे पनकंठ नहीं आले, जपे नाम एक सारी, साधु भाई फकड़ारी गति न्यारी। बाप फकड़ा से सब काल दूजे, बाप फकड़ा से काल सब दूजे, अरे दूजे दुनिया सारी, जग दूजे तो काई है अचरज, दूजे कृष्ण मुरारी, साधु भाई फकड़ारी गति न्यारी। फकड़ारी गत कोई फकड़ जाने क्या जाने संसारी, साधु भाई फकड़ारी गति न्यारी। कहे कि ना काऊ से बैर बसावे और ना काऊ से यारी, हर्ष माई शोक शोक माई हर्ष है, रे सदाई के सारी, साधु भाई फकड़ारी गति न्यारी। फकड़ारी गत कोई फकड़ जाने क्या जाने संसारी, देवनाथ मिला गुरु पूरा बिगड़ी बात सुधारी, देवनाथ मिला गुरु पूरा बिगड़ी बात सुधारी। राजा मान सिंह के भाई बाप फकड़ा पर तन मन धन सब वारी, साधु भाई फकड़ारी गत न्यारी, फकड़ारी गत कोई फकड़ जाने क्या जाने संसारी। अच्छा कई भजन में महात्मा भी मान बोध नामक ग्रंथ में लिखा भी के अंदर ओ भजन भी लिखे है के बटाऊ आपने के पाउन मेहमान, और मैं मारवाड़ बिन जोधपुर में के बटाऊ के अब के बच्चा ले मारी माए बटाऊ आ गयो। तो कहे कि बटाऊ बिरा हो रही हो मोड़ो रे दिनड़ो थोड़ो रे, अब तो एक घंटो ही बचे हो, अस्त हो बम रात हो बाली है, ठीक है। यानी बोलिया उम्र उम्र तो कोई आदमी इम आंदला में धोबा में पानी भर लेवे और फिर देखता देखता पानी खाली खाली जाओ धोबो, अंजलि अंजनी का नीर जैसे जावत शरीर तैसे धरे अब धीर के से बीतत तमाम है, जिंदगी सुधार बंदा यही तेरा, देखते देखते पानी को धोबो खाली हुए हाथ खाली हुए पतो नहीं पानी खट गयो, यानी देखता देखता बालक अवस्था जाए बालकपन जाए, देखता देखता तरुण अवस्था जाए, देखता देखता जवानी चली जाए, देखता देखता वानप्रस्थ चले जाए, देखता देखता बुढ़ापा जाए। कपूर ने देखे पड़ो पड़ो पतो नहीं कद उड़ जाए, ऐसे ही महात्माओं ने समझाया कि बटाओ बिरा हो रियो मोड़ो रे दिनड़ो थोड़ो रे, माया से मुख मोड़ दीवाना। माया कहे इस शरीर ने काया ने, ओ काया समय जब तो सृष्टि है आ सब माया है, ये सब मिटने वाली है, तो माया से मुख मोड़ दीवाना, सतगुरु जी से जोड़ो रे दिनड़ो थोड़ो रे बिटाओ बिरा हो रियो। ये किसी के घर में कोई किसी के घर में कोई किवाड़ बाहर आकर के खटखटाया तो घर का मालिक तो बारे गेड़ो हो, घर की मालिकन खोली किवाड़ और किवाड़ खोल के देखा तो बारे ने एक देवी जी खड़ा। तो मैं पूछा घर का मालिकन के बोलो, जब देवी जी एक टक बिन देखवा लग गया, बोलो मालिकन क्या बोलो किवाड़ क्यों खटखटाया। तो मालिकन की बात सुन करके बारे जो देवी खड़ी बा बोली, अरे पगली मेरे को नहीं जानती, जो थोड़ी सी बात ढीली होगी घर की मालिकन का आपा तो जाने होने कोई जानकार दी के नहीं सब मैं नहीं जानी, अरे मेरे को नहीं जानती, बोले नहीं
मैं नहीं जानती। अरे पगली मेरे को नहीं जानती, बोले फिर तो पानी पानी होगी बा, अत पूरी जानकार है आप जाना बोले। पछ बोली गए नहीं मैं आपको जानी नहीं। अरे मैं मोसी जितपा मालिक ने हिसाब लगाया कि आपने तो ऐसी मासी कौन है पर बाग होली गए था भाई वहां को होली अब बासी ऐसी। बोले मोसी कहा तो अंदर आओ अंदर पधारो पधारो पधारो। बिछाया बिठाया बोलो कहीं सेवा करूं, बोले गर्म पानी कर दो स्नान करूंगी फिर भोजन करूंगी और आ तो यहीं रेस्ट। अब गर्म पानी करो स्नान करवायो हलवा पूड़ी बढ़िया बनाया जिमाया शाम ने पति देवाया। घर का मालिक आया जित वे घर में मेहमान दिखा जित वो आपकी धर्म पत्नी ने कहेगा आज कोई मेहमान आया है क्या हाँ कौन है ओ हो थे कौन जानो। बोले मैं तो नहीं जानता। और आप ही नहीं जानते। बोले नहीं मैं नहीं जानता। ओहो आप ही नहीं जानते। बोले नहीं तो अरे मोसी वो सोचो आपने तो मासी कौन पर एक होली आपने तो मोसी को नहीं पर खाटा एक होली। तो बोले अच्छा हाँ मोसी मोसी हाँ मोसी ठीक है तो सेवा करो बढ़िया सेवा। एक दिन दो दिन तीन दिन तक बढ़िया हलवा पूड़ी देसी घी का मालपुआ खाया। पच एक दिन पति बोलो पत्नी ने थारे इतनी कती मोशी आया जब वही यही है। बोला मारे किसी मोशी आ था कि मोशी है जिन्हा मैं रोटा बना बना दे हूँ मार तो मोशी यही को ना मारी माँ एक ही है मारी नानी जी के जब बोला ओए ये क्या बोले है तू ए देवी के बोले क्यों क्या मारे किसी मोशी है मारी तो माँ दो बहना ही एक तो मारी माँ ही रे एक मारी मोशी वो शांत होगी तो फिर आप उनकी मोशी है थारी भी मौसी को मारी भी मौसी को फिर कौन की मौसी है मैं पूछू देगा आप कौन की मौसी है। बात सुन ली सारी बात बीटो गोल कर गला में डाल बैग ने तैयार खड़ी ना वो घर को मालिक जार पूछे के आप कौन की का मौसी हो कौन का मौसी लागो हो मौसी जी कौन का होते। बात देवी बोली जब तक पोल नहीं खुले जठा तक भी घर की मौसी हाँ पोल खुल जाए ना आप कोई की मौसी को नहीं चलिया ठीक है। यानी वो संसार है आज संसार में माया को बहुत जबरदस्त विस्तृत फैलाव है और काया भी माया है और अपना चित्र मालूम है कि मरुस्थल में पानी भरड़ दी के अपन पानी है कौन है रोड पर पानी भरड़ दी के अपन पानी है कौन है जेवड़ी में सांप दी के अपन है कौन है भोडल में चांदी दी के अपन है कौन है सपना में रिपा दी के सृष्टि दी के ब्रह्मांड दी के अपन साचो जागे पास है कौन है ठूट में पुरुष दी के अपन है कौन है आगड़ा में भूत दी के अपन है कौन है। ये ऐसे ही यो शरीर दिखे पर ओ संसार में रह भी कौन है एक दिन वो भी इकी मिट्टी हो जाएगी। लेकिन इस शरीर में इस नाशवान में एक अविनाशी तत्व है एक आत्म तत्व है एक सत्य तत्व है एक ब्रह्म तत्व है एक चेतन तत्व है। उसकी अनुभूति कद हो वो सत्संग में बैठे तो एक काया माया की मोसी की पोल खुल जाए और पोल खुल जाए खुलता ही समझ में आ जाए कि सर्प जाए लो और कांचली यदि काटा में फसगी तो सर्प बिन हेरवा पाछो आवेगी या सर्प जी सर्प की कांचली उतर जाए वो सर्प भी कांचली के लिए रोवे। ऐसे ही सत्संग करते करते हमारी समझ में आ जाएगी कि वो शरीर एक कांचली है और एक दिन वो जीव रूपी सर्प की कांचली ने जरूर छोड़ेगो और सर्प भी है तो कांचली और रह जाएगी। यानी यदि आत्मा अमर आत्मा यहाँ तब तो यह का शरीर पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म लिखी आत्मा के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जननी जटरे से नम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम बार बार जन्म बार बार मरण इस शरीर को मैं मानने से होता है। और यदि इसकी अनुभूति हो जाए तो नैनम छेदंति शस्त्राणी नैनम देती पाव के न जन्म कल दंत्या पुनः सुसिति मारुते। शस्त्र से कटता नहीं अग्नि से जलता नहीं वायु से सूखता नहीं पानी से गलता नहीं अच्छेद्य अवेद्य अधाय ऐसो से अविनाशी अवगत अजर अमर आत्मा नाम मैं आप स्वयं हूं ऐसी अनुभूति सत्संग से हो जाती है। कहते हैं कि मकान अलग है मकान का मालिक अलग है गाड़ी अलग है ड्राइवर अलग है
भाई कुर्ता अलग है, पहनने वाला अलग है, मंदिर अलग है, मूर्ति अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है और इसमें रहने वाली आत्मा अलग है। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति समेत पाएगा, होगा तू तुरंत ही सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न अभिमान कर, समन तज दे से फिर हो जा अजर, हो जा अमर। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू, नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा, निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर फिर हो जा अजर, हो जा अमर। तो कहते हैं महात्मा मानसिंह जी, लिखते हैं कि आगे रात अंधेरी आवे, ये मनुष्य जन्म में ही उजाला है, बाकी इसमें मनुष्य जो ये जन्म है इसमें बुद्धि प्रधान है, मनुष्य की जो है बुद्धि के अंदर प्रकाश है, और कितने कितने योनियां हैं उनमें किसी में भी प्रकाश नहीं है। गाय का बछड़ा है वो बड़ा हो गया, बैल हो गया, सांड हो गया, उसकी माँ यदि लंगड़ी हो जाए, पड़ी पड़ी में कीड़ा पड़ जाए, और वो सांड है पूरा गांव डरता है उससे, पशु नहीं मनुष्य भी डरते हैं सांड से, लेकिन भी वो बेटो गाय को सांड है तो पूरा गांव डरे, लेकिन वो आपकी माँ की सेवा तो नहीं कर सकते, और माँ को भी कोई मालूम नहीं कि मेरा बेटा इतना वरिष्ठ है, और बेटे को भी मालूम नहीं कि मेरी माँ की दशा ये है। इसलिए इस मनुष्य जन्म में ही ये प्रकाश है कि मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे गाँव वाले है, मेरे समाज वाले है, मेरे देश वाले है, ये मेरे 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 मिलने वाले है। तो इस मनुष्य जन्म में ही घर का विकास, परिवार का विकास, गांव का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, जो कुछ कर सकता है इस मनुष्य जन्म में कर सकता है, इसके आगे रात अंधेरी आवे, चाहे आप हाथी हो जाओ। आगरा जन्म में यदि हाथी भी जन्म मिले तो भी अंधेरी खप है, आगे रात अंधेरी आवे, खड़ गुर्गम घोड़ो रे, दृढ़ो थोड़ो रे, बिटाओ बिरा हो रही हो। मानसिंह का अमरापुर हालो, अमरापुर का सत्संग ने, मानसिंह का अमरापुर हालो, ने जग से तोड़ो रे, दृढ़ो थोड़ो रे, बिटाओ बिरा हो रही हो मोड़ो रे। आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, और जलिंद्रा परिवार ने इस अस्तेड़ा ग्राम में, निर्वे नगर में, छोटू राम जी और जलिंद्रा और उनके परिवार ने इतना बड़ा यह आयोजन रखा, ये मा यज्ञ रखा, और आप लोगों ने लगातार तीन चार पाँच छह घंटे से आपने इसका आनंद लिया। मैं आप लोगों को पुनः एक बार आप सब लोगों की इस गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर सब लोगों का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ, और एक आप लोगों को सूचना देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कल शाम यानी कल 29 तारीख की यानी 29 अक्टूबर की सत्संग जो है श्री गोकुल जी, महेंद्र जी, पारमवाल, शिशु रानोली वालों की होगी। शाम को सत्संग है, भोजन और भजन दोनों का निमंत्रण है। आप सब लोगों ने निवेदन कर रहा है कि आप सब लोग सब परिवार इष्ट मित्र से पधार जो। दूसरा एक जो है ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट करण सर, उनकी तरफ से आपके हिरणोदा जो आश्रम है फुलेरा के पास, हिरणोदा आश्रम, उसमें वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव जो है 22 नवंबर बुधवार 2017 का सुबह 9:15 बजे से कलश यात्रा होगी, 11 बजे से संत सम्मेलन है, और 3:15 बजे माँ प्रसादी भंडारा है। इसलिए आप सब लोगों को ये ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट करण सर, सब लोगों को आप लोगों को सब परिवार इष्ट मित्र सहित पधारने के लिए निमंत्रण दे रहा है, आह्वान कर रहा है। और सुनो, ये पंपलेट छपा है, छाप करके आप लोगों के लिए भेजा है, आप सब लोग आप आपके घर ले जाइयो और अपने पड़ोसियों को सबको बता जो, और कोई सत्संग में नहीं समझे जित भी नहीं है खींचो जिम्बो है जोरदार बहाने ले जाइयो। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।